नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एशिया नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिद्धार्थनगर से देखिए ये रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में हो रहे समूह की महिलाओं के कार्यों का मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया और समूह सखियों से बातचीत की। वहीं आपको बता दें, बासी ब्लॉक में चल रहे सैनिटरी पार्ट मशीन का मुख्य विकास अधिकारी व नीति आयोग के ऑफिसर सौम्या पांडे ने निरीक्षण किया और वहां समूह सखियों से बातचीत की। जिले में बासी ब्लॉक परिसर में कार्यरत सभी समूह सखियों से मुलाकात की और उनके प्रोत्साहन देने के लिए चर्चा की गई। नीति आयोग से ऑफिसर सौम्या पांडे, मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ब्लॉक परिसर में सबसे पहले सैनिटरी पार्ट मशीन को देखें और वहां कार्यरत समूह सखी से बात की। वहीं आपको बता दें, फिर ब्लॉक परिसर में चल रहे कैंटीन को देखा और वहां समुचित व्यवस्था देने की बात कही। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि समूह की महिलाओं का कार्य और प्रोत्साहन देने के लिए सैनिटरी पार्ट मशीन को देखा गया और समूह सखियों से बात की गई। अभी तक यहाँ बने 25,000 पैड बेचे जा चुके हैं, वहीं इसको प्रत्येक ब्लॉक में लागू करना है। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट बासी जगत प्रवेश, खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार पांडे, सहायक विकास अधिकारी जयप्रकाश रॉय सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुफ्त में जगह दिए, मुफ्त में आप दे रहे हो ना आपके ब्लॉक में, जो मतलब आपको भी कुछ ना कुछ ब्लॉक के लिए कितना है सर हमारे खाते में, आपको कितना पैसा आता है, आपको कितना फायदा हो जाता है सर? एक महीने का 2,000-3,000 ऐसा आपको हो जाता है? आपको अकेले नहीं सर, पैसा निकालना है जैसे कि जो तो भी आपके खाते में 75,000 रुपए आ गए, इसी के बाद आपने खरीदा होगा। अब आप जो यहाँ पर समूह की महिलाओं द्वारा जो अच्छा कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को देखने के लिए और उस कार्य को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्या उसमें और बेहतर कर सकते हैं, आज उसको देखने के लिए आज यहाँ देखा था। आज सैनिटरी पार्ट मशीन जो यहाँ पे निर्माण के लिए लगाया गया है, तो वो काफ़ी एक अच्छा एक प्रयास समूह की महिलाओं द्वारा, और अभी तक वो 25,000 पैड जो है वो बेच भी चुकी है, उससे काफ़ी आमदनी भी कमा रही है। इसी को हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक ब्लॉक में इसको लागू करें, इस मॉडल को। उनके मार्केटिंग के लिए हम अपनी तरफ से भी बड़े दुकान वालों से, सीधे जो रिटेल मार्केट होती है उनसे, ऑनलाइन जो मार्केट होती है उनसे, उसके माध्यम से हम प्रयास करें कि पैकेटिंग और अच्छी करके इसको और बेहतर जो है इसकी बिक्री की जाए। बाकी भी दो समूह की महिलाओं से हमने इंटरेक्शन किया यहाँ पर, जो बीसी सखी का काम कर रही है और जो राशन की दुकान चला रही है, उनकी समस्याओं को या उनकी कठिनाइयों को और आगे वो क्या करना चाहती है उनको समझा, जिससे समूह का जो एक काम है उससे महिलाओं की आमदनी बढ़ती है, वो स्वावलंबन के लिए जैसे कि शासन की मंशा बहुत आवश्यक है। इसलिए समूह की महिलाओं पर अत्यधिक फोकस भी सरकार का है, उसी के क्रम में आज यहाँ विजिट की गई है नीति आयोग की, जो ऑफिसर हमारे साथ सौम्या पांडे हैं उनके साथ। नीति आयोग से भी यही निर्देशन था कि फील्ड पे जाकर सभी कार्यों को जो इस प्रकार के हो रहे हैं उनको दिखाया जाए, जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखा जाए और उनको बाकी जनपद भी, जो नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जनपद